हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर रविकांत नागाइज सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। रविकांत नागाइज ने 1967 में आई मूवी फर्ज से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, बबीता, आगा और अरुणा ईरानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1.5 करोड़ रहा। भारत में कमाई 2.5 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1969 में रविकांत नागाइज की मूवी आई जिगरी दोस्त। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, मुमताज, कोमल और जगदीप शामिल थे। इस मूवी का बजट 65 लाख रहा। भारत में कमाई 1.35 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2.70 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल रविकांत नागाइज की तेलुगु मूवी आई महाबुलुंडु। इस मूवी के लीड कास्ट में कृष्णा और बानी श्री शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सुपर हिट रही। 1970 में रविकांत नागाइज की मूवी आई द ट्रेन। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, नंदा, हेलन और राजेंद्र नाथ शामिल थे। इस मूवी का बजट 75 लाख रहा। भारत में कमाई 1.5 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी अबव एवरेज रही। इसी साल रविकांत नागाइज की मूवी आई हिम्मत। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, मुमताज, प्रेम चोपड़ा और के एन सिंह शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1971 में रविकांत नागाइज की मूवी आई प्यार की कहानी। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, तनुजा, फरीदा जलाल और अनिल धवन शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी सेमी हिट रही। इसी साल रविकांत नागाइज की एक और मूवी आई हसीनों का देवता। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय खान, रेखा, बिंदु, हेलन और कमाल कपूर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1972 में रविकांत नागाइज की मूवी आई मेरे जीवन साथी। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, तनुजा, सुजीत कुमार और उत्पल दत्त शामिल थे। इस मूवी का बजट 90 लाख रहा। भारत में कमाई 85 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1.70 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1973 में रविकांत नागाइज की मूवी आई कीमत। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, रेखा, प्रेम चोपड़ा और राजेंद्र नाथ शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रहा। भारत में कमाई 1.10 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2.20 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1975 में रविकांत नागाइज की मूवी आई काला सोना। इस मूवी के लीड कास्ट में फिरोज खान, परवीन बॉबी, फरीदा जलाल, प्रेम चोपड़ा और हेलन शामिल थे। इस मूवी का बजट 1.10 करोड़ रहा। भारत में कमाई 1.50 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3.50 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी अबव एवरेज रही। इसी साल रविकांत नागाइज की मूवी आई रानी और लाल परी। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, आशा पारेख, जितेंद्र, फिरोज खान, रीमा रॉय और नीतू सिंह शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1977 में रविकांत नागाइज की मूवी आई डाकू और महात्मा। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, रीमा रॉय, योगिता बली और कबीर बेदी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल रविकांत नागाइज की मूवी आई जादू टोना। इस मूवी के लीड कास्ट में फिरोज खान, रीमा रॉय, अशोक कुमार और प्रेम चोपड़ा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। इसी साल रविकांत नागाइज की एक और मूवी आई चीफ ऑफ बगदाद। इस मूवी के लीड कास्ट में सुदन सिन्हा, सुलोचना पंडित, कबीर बेदी और प्रेम चोपड़ा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1979 में रविकांत नागाइज की मूवी आई सुरक्षा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता, जीवन, अरुणा ईरानी और जगदीप शामिल थे। इस मूवी का बजट 90 लाख रहा। भारत में कमाई 1.75 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3.50 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1980 में रविकांत नागाइज की मूवी आई मोर्चा। इस मूवी के लीड कास्ट में रवि वेल, अरुणा ईरानी, शक्ति कपूर, सुरेश ओबेरॉय और जगदीप शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1981 में रविकांत नागाइज की मूवी आई साहस। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रति अग्निहोत्री, शक्ति कपूर और शरद सक्सेना शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। इसी साल रविकांत नागाइज की मूवी आई वारदात। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, काजल, किरण, जगदीप और शक्ति कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रहा। भारत में कमाई
1,40,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,80,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल रविकांत नागाइज की एक और मूवी आई लापरवाह। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता, प्रेम नारायण, शक्ति कपूर, चंद्रशेखर और प्रेम बेदी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1982 में रविकांत नागाइज की मूवी आई रक्षा। इस मूवी के लीड कास्ट में परवीन बॉबी, जितेंद्र शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल रविकांत नागाइज की मूवी आई सुगंध। इस मूवी के लीड कास्ट में अनंत बलराज, गुलशन ग्रोवर, लीना दास शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1984 में रविकांत नागाइज की मूवी आई शपथ। इस मूवी के लीड कास्ट में राज बब्बर, समिता पटेल, रंजीता, कादर खान और शक्ति कपूर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल रविकांत नागाइज की एक और मूवी आई तरकीब। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता कौर, शक्ति कपूर और मदन पुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल रविकांत नागाइज की मूवी आई द गोल्ड मेडल। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और राखी गुलजार शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1986 में रविकांत नागाइज की मूवी आई ड्यूटी। इस मूवी के लीड कास्ट में गोविंदा, अनुराग पटेल, राकेश वेदी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। और यही अब तक की रविकांत नागाइज सर की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको रविकांत नागाइज सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल बॉलीवुड मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें प्लीज़। दोस्तों, थैंक यू।